हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब बेटा? नहीं, थोड़ा ये पीपीटी का है बेटा आजकल ना, तो पीपीटी पे थोड़ा सा नया प्रेजेंटेशन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है अभी, है ना। पहले मैं पीडीएफ पे ही पढ़ा देता था, अब ये पीपीटी है तो थोड़ा सा एनिमेशन रहता है, आपको अच्छा भी लगता है ना जब क्वेश्चन चेंज होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, आप सब बच्चे कैसे हो? कुछ पढ़ाई आपकी स्टार्ट हुई अभी? पढ़ाई बेटा करते रहिए, है ना। नीट का जब होगा तब देखेंगे, है ना। नीट का जब होगा तब देखेंगे। अरबाज करें आपकी दुआ से ठीक है। चलिए मैं दुआ करता हूं कि आप सब सेलेक्ट भी हो जाओ, है ना, नीट 2020 में आप सबका सिलेक्शन हो जाए। नीट की कोई न्यूज बेटा, कल जो न्यूज आई थी मैंने आपको दे दी थी, है ना। नीट की कल जो न्यूज आई थी मैंने आपको बता दी थी। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। अनस कह रहे हैं कि मोटिवेशनल वीडियो डाल दीजिए, तो शायद हो पाए पढ़ाई। अच्छा चलो, एक मोटिवेशन वीडियो मैं आज बना देता हूँ, है ना। प्रियंका, उर्मिला, प्रीति, अनश, वेरोनिका, सरफराज, अविनाश, आरुषि, अवधेश, लैबा, गौरव, वैष्णवी। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। संतोष करें, लुकिंग टफ सर। मेंटी होगा बेटा, मेंटी भी होगा, लाइव भी होगा, है ना। मेंटी लाइव सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। हाँ वैष्णवी कह रही कि आपके होते हम लोग कभी खराब नहीं होंगे, ये भी बात सही है। टी शर्ट पे क्या लिखा है तुम लोग, इतने नालायक हो। अबे तुम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? हाँ? अच्छा रिया के नहीं, अपडेट चेंज होने के क्या चांस है बेटा? चांस की बात मैं क्या करूं, चांस की बात अब क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक है, ज्यादा जब पढ़ाते हैं ना, ज्यादा जब बोलते हैं तब थोड़ा सा दर्द होता है, अब तो ठीक है। प्रियंका यादव कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है नीट पोस्टपोन होगा? बिल्कुल बेटा, मुझे तो लगता है कि पोस्टपोन होगा, है ना। सुरेंद्र कह रहे हैं सर जो डॉक्टर वाला क्वेश्चन पूछा है 90A में, तो लगता है कि अपुन इस डॉक्टर। अच्छा डोडो और रूही एकदम ठीक है, रुचि डोडो रूही एकदम ठीक है। अमन तिवारी, किससे बात हुई बेटा आपकी? शत्रुघ्न कह रहे सर आपका टी शर्ट चाहिए मुझे, कहाँ से मिलेगा? सिलेक्शन लेके आओ बेटा, टी शर्ट ऐसी हजारों कुर्बान तुम लोगों के ऊपर, है ना। अच्छा सूरज क्रैश सर कल वाले क्रैश कोर्स में आप इतना हंस क्यों रहे थे? हाँ बेटा लोग आ जा रहे थे ना बीच में, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, है ना। मेरे घर में एक दो लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है ना, तो मैं उनको भी सुना रहा था कि देखो तुम्हारी वजह से लोग कितने लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं, है ना। 25% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कुपोषण और भुखमरी का शिकार हैं, और यहाँ लोग पेट कम करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। मुस्ताक करें, गंगवार ब्रांड टी शर्ट कहाँ मिलेगा सर? मिलेगी बेटा मिलेगी, आप सब सिलेक्शन लेके आओ फिर उसके बाद तो। लवली, अच्छा नहीं, हजारों टी शर्ट कुर्बान है, लेकिन हजारों बच्चे सेलेक्ट भी तो हो गए, है ना। लवली करी सर आपने आगे की क्या प्लानिंग की है? बेटा आगे की जो प्लानिंग है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि आज या कल में कोई न्यूज आ जाए, है ना, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग। प्रियंका करी सर फिजिक्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाने से कि 120 से ज्यादा आ सकता है?
बेटा लास्ट ईयर अगर आप 25-30 साल के क्वेश्चन लगा लेंगे तो बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। नया क्वेश्चन कितना फ्रेम होता है, और नया क्वेश्चन आप सोचो कितना कर पाओगे, ये भी तो आप सोचो कि जो प्रीवियस 25-30 साल में क्वेश्चन पूछे गए वही रिपीट होगा, वही आप नहीं कर पाते हो। नया क्वेश्चन फ्रेम करके देगा, कहां से आप कर पाओगे। एनटीए के मॉक टेस्ट है उनको कर लो, बढ़िया सवाल है उनमें, है ना बेटा। सतीश सर का नंबर तुम लोगों के पास नहीं है? अमन, सतीश सर का नंबर नहीं है? रिया बेटा देखिए, आज या कल में न्यूज आ सकती है नीट के बारे में, है ना। नीट के बारे में आज या कल न्यूज आ सकती है। शीतल बेटा देखिए, स्पीसीज, एक स्पीसीज में कई सारी ब्रीड हो सकती हैं, जैसे काऊ एक स्पीसीज है, अब इसमें साहीवाल एक ब्रीड है, जर्सी एक ब्रीड है, देसी एक ब्रीड है, तो एक स्पीसीज में डिफरेंट ब्रीड हो सकती हैं। हाँ, जो पिटीशन चला उसको साइन करिए, पिटीशन जो चला है गूगल पे उसको साइन करिए नीट पोस्टपोन के लिए, अगर आप चाहते हैं तो, है ना। जफर आलम जी, जी बाबा जी, मैं शुरू करता हूँ। जफर बाबा ने कमेंट किया है, जी बाबा जी अभी शुरू करता हूँ, बस 1 मिनट धैर्य रखिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। नीतीश करें सर, आप फिजिक्स कैसे पढ़े थे लास्ट मंथ? बेटा मैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाता था, और जो मैंने पढ़ा था बस उसी को मैं रिवाइज करता था, ठीक है। अच्छा, पिटीशन मिल नहीं रही, ठीक है, मैं देखता हूँ, और अगर कुछ होता है तो मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, उसमें लिंक भी आपको दे दूंगा, है ना। नंदन गणेश सर जी, आपको सर्दी हो गई? हाँ, कल मैंने आइसक्रीम खा ली थी, है ना, बहुत दिन के बाद, करीब 100 दिन हो चुके हैं। तो प्रियंका, ऑफलाइन क्लासेस, बेटा देखिए ऑफलाइन क्लासेस का अभी कुछ नहीं पता कि कब से स्टार्ट होंगी, है ना। मोहम्मद सहजाद, फिजिक्स के लिए कुछ अलग करवाइए। बेटा फिजिक्स के लिए आप लोग क्या चाहते हो बताओ। बेटा पीडीएफ तो मैं तुरंत ही दे देता हूँ, पीडीएफ के लिए तुम लोग कितना परेशान रहते हो। पहले परीक्षा फिर सुरक्षा, नहीं बेटा पहले सुरक्षा फिर परीक्षा। लाइक नहीं हो रहा है, रवि कह रहे हैं कि लाइक नहीं हो रहा है सर। क्यों बेटा लाइक नहीं कर रहे तुम लोग, 350 लोग हो, लाइक यहाँ 150 है, इसका क्या मतलब है। हाँ फिजिक्स में, नीलम करें फिजिक्स में लाइव क्वेश्चन कराइए, ठीक है बेटा मैं सर से बात करता हूँ। कुछ क्लियर हो बेटा तो मैं उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अगर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई फिर कुछ डेट में इधर उधर हुआ फिर वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। विकास करें सर आप ही फिजिक्स पढ़ा दें। मकसूद करें अनुराग सर से फिजिक्स, ठीक है बेटा मैं बात करता हूँ, है ना। अच्छा रिया करें फिजिक्स के जेई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा अभय कृति, आज या कल में डेट आ जानी चाहिए, है ना, आज या कल में डेट आ जानी चाहिए। सूरज करें सर जी, बॉडी आउट ऑफ शेप जा रही, क्या करें, कुछ सजेस्ट करिए। बेटा खाना कम करो, ठीक है, थोड़ा खाना कम करो ना फैल जाओगे, 20 साल में अंकल लगने लगोगे। पॉडकास्ट बेटा मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, पॉडकास्ट भी इसीलिए मैंने रोक रखा है, मैंने इसलिए क्रैश कोर्स केवल कल अपलोड किया था, है ना। प्यू करें चाचा लोग लाइक करो सेशन को, चलो जल्दी से लाइक करो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ रांची बिहार में, उधर झारखंड में काफी बारिश भी हो रही है ना। घर पे खाना मिलता खूब तुम लोग खाते हो, इससे फूल गए होगे, है ना। अच्छा जब मैं तुम लोग को क्लास कराता था उस समय और इस समय से कुछ अंतर आपको लग रहा है कि मैं दुबला हुआ कि मोटा हुआ, क्या लग रहा तुम लोगों को। मैं भी तो घर ही पे रहता हूँ, खाना खाता हूँ घर पे, लेकिन इतना नहीं खाता हूँ कि एकदम ठूस ठूस के खा लिया कि सांस लेने की जगह नहीं बची, बाद में सांस लेने के लिए भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो ऐसे मैं नहीं करता हूँ।
स्मार्ट हो गए ना पहले से। तुम लोग जलते हो नालायक हो, जो कह रहे मोटे हो गए और छप जलते हैं मुझसे। अरे मजनू। कुछ कह रहे नो चेंज, कुछ कह रहे स्मार्ट हो गए हो। जो स्मार्ट कह रहे हैं उनका भगवान भला करे, है ना। अच्छा, और बात करें पहले खौफ बना रहता था, अब खौफ नहीं है, यही डिफरेंस है। अच्छा नहीं बेटा, मेरा वेट कम हो गया है, लुकिंग स्मार्ट। अच्छा स्ट्रिक्ट कम हो गया, मानसी कह रही। अच्छा उत्तम, मैप का फुल फॉर्म होता है बेटा मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है चलिए, अब स्टार्ट किया जाए बेटा, है ना। बातें होती रहेंगी बीच बीच में भी, और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सूरज बॉडी बनाने के लिए सर कुछ बताइए। बेटा पहले पढ़ाई कर लो, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं फिर बॉडी बनाते रहना, ठीक है। कार्तिकेय कह रहे सर आप कपड़े कहाँ से लेते हो। बेटा कहीं से भी ले लेते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। सहारेगंज चले गए, है ना, सेंट्रल है वहां पे, है ना। विपिन कह रहे गोरहरा गए सर। बेटा गोरा तो बचपन से था, तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो। चलो तो अब पढ़ाई भी स्टार्ट किया जाए। कार्तिकेय कह रहे फेवरेट ब्रांड क्या है। यूसीबी। अच्छा नीट की पॉसिबिलिटी, बेटा नीट की पॉसिबिलिटी देखिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, है ना। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ कि बाद में तुम लोग उसको कहो कि सर आपने तो ऐसा कहा था, है ना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, आंसर भी करते रहिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन है एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वॉल फ्री। पेन लेना पड़ेगा। ऑब्टेन वॉल फ्री, क्या हो रहा है। ठीक है आगे चलो। एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वॉल फ्री और नेकेड प्रोटोप्लास्ट, है ना। नेकेड प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करने के लिए, अब प्लांट का अगर आप नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करना चाहते हो तो प्लांट में क्या है, सेलुलोज है उसके लिए सेलुलेज चाहिए, और पेक्टिन है उसके लिए पेक्टिनेज चाहिए। तो इसका मतलब आप कौन से एंजाइम का यूज करोगे यहाँ पर, आप एंजाइम यूज करोगे बेटा यहाँ पर सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम का यूज किया जाएगा, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन। सूरज करें सर जी सक्सेसफुल और खूब पैसे कमाने के लिए गुरु मंत्र, गुरु मंत्र होता है बस एक वर्ड, दैट इज डेडिकेशन। आपको चाहिए डेडिकेशन, अपने काम के प्रति समर्पण होना चाहिए, है ना। जो भी काम आप करें, जैसे आपका काम इस समय पढ़ाई करना है तो उसमें समर्पण होना चाहिए, वो बोझ आपको नहीं लगना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं अगर वो आपको बोझ लग रहा है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो बोझ नहीं लगना चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र होता है। काम से आपको प्यार होना चाहिए, है ना, बोझ नहीं लगना चाहिए। आप जब पढ़ाई करें तो आपको ये नहीं लगे कि अरे ये क्या है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इस समय आपका यही काम है, तो आप इसको लगन से करिए, ईमानदारी के साथ करिए। अपने साथ ईमानदारी दिखाएंगे तो ऊपर वाला आपके साथ ईमानदार रहेगा। चलिए तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन। पहला है परभनी क्रांति रेजिस्टेंट टू वायरस भिंडी की वैरायटी, सही है। दूसरा पूसा गौरव रेजिस्टेंस टू एफिड मस्टर्ड की वैरायटी, ये भी सही है। पूसा सदाबहार रेजिस्टेंट टू फूट बोर और काउपी है, बेटा काउपी की नहीं है, पूसा सदाबहार चिली है।
सुभ्रा रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट कॉलीफ्लावर, ये भी गलत है ना, ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट होती है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रूट कैप इज नॉट यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू, रूट कैप वाटर के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले नहीं करती, उसका कारण क्या है। रूट कैप वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले नहीं करती क्योंकि रूट कैप में रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, रूट हेयर जोन ऑफ मैचुरेशन में होते हैं, इसलिए जोन ऑफ मैचुरेशन जो होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट टाइप दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टिवेशन गिव बेटर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट। पर्पजफुल मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब बदलाव करना, पर्पजफुल मतलब फायदेमंद, अगर फायदेमंद बदलाव करते हैं दैट इज नेम्ड एज प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, इसे कहा जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से बेटा गलत आपको ढूंढना है, ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। क्रैश कोर्स कल ही बेटा मैंने अपलोड कर दिया था, है ना, थोड़ा देर हो गया था लेकिन मैंने अपलोड कर दिया था। आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्रैश कोर्स आएगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। बेटा चार टॉपिक के क्वेश्चन आज हम करें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के तीन चैप्टर है ना, और एक हम जो स्ट्रेटेजीज टॉपिक था उसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी फंक्शन एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं, सही है। इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलर एनिमल डिफरेंट बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, बिल्कुल। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम अलग अलग सेल के द्वारा किए जाते हैं। द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000, ये भी सही, एनसीईआरटी की लाइन है। व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड और केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, बेटा दो ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये गलत, और आपसे गलत पूछा गया तो डी गलत हो जाएगा, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। चलिए वेलामेन इज ए टिश्यू फाउंड इन, वेलामेन नाम का टिश्यू कहां पर पाया जाता है, वेलामेन नाम का टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है, ये पाया जाता है एरियल रूट ऑफ सम ऑर्किड एंड वांदा। ये जो एरियल रूट है ऑर्किड और वांदा, ऑर्किड और वांदा क्या है, एपीफाइट, तो कुछ एपीफाइट की एरियल रूट में वेलामेन नाम का स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। एक ऑप्शन ऑल एपीफाइट दिया गया जो कि गलत होगा बेटा, एरियल रूट ऑफ सम एपीफाइट, कुछ एपीफाइट की एरियल रूट में वेलामेन नाम का टिश्यू होता है। हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, इस पोटैटो और टोमेटो के हाइब्रिड को क्या कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था जो आप हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था डेट इज कॉल्ड पोमेटो कहा जाता है, इसे पोमेटो कहा जाता है ना, ये ऐसे बनाए, देखिए पोमेटो कैसे बनाए गए, ये पीओ लिया गया और यहां से मेटो लिया गया और इनको जोड़ दिया गया, जब इन दोनों को जोड़ा गया तो पोमेटो का फॉर्मेशन हो गया। एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक हैप्लोइडी मेक यूज ऑफ सेल्स, एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक, एंड्रो टर्म किसके लिए आता है, मेल के लिए, एंड्रोजेनिक टर्म किसके लिए आता है, मेल के लिए, तो एंड्रोजेनिक हैप्लोइड बनाने के लिए एंथर सेल का यूज किया जाता है, एंथर सेल का यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का यूज किया जाता है, एंथर सेल या पॉलन ग्रेन का यूज किया जाता है एंड्रोजेनिक हैप्लोइड को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए यहां पर मैच कराइए जरा, क्रॉप वैरायटी एक तरफ आपको दी गई और दूसरी तरफ आपको दिया गया है कि रेजिस्टेंट टू, किससे रेजिस्टेंट है, तो सबसे पहले आपको हिमगिरी दिया गया, हिमगिरी किससे रेजिस्टेंट है, हिमगिरी रेजिस्टेंट है बेटा यहाँ पर हिल बंट से, ठीक है। पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस से रेजिस्टेंट है, पूसा सुभ्रा ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट है, और पूसा सदाबहार लीफ कर्ल से रेजिस्टेंट है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी बढ़िए बेटा, प्लांट पीस यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, प्लांट पीस, प्लांट का वो हिस्सा जो टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या है, दैट इज नेम्ड एज एक्सप्लांट, प्लांट का जो हिस्सा टिश्यू कल्चर में टोटी पोटेंसी शो करता है उसे एक्सप्लांट कहा जाता है। वेसल्स अकर इन, वेसल कहां पर पाई जाती है,
जाइलम में वेसल कहां पर प्रेजेंट होती हैं? वेसल्स आर प्रेजेंट इन, वेसल बेटा पाई जाती है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, क्योंकि कुछ एंजियोस्पर्म है, जैसे एक एंजियोस्पर्म है जिसका नाम है ड्रिमिस, ड्रिमिस नाम का एंजियोस्पर्म है जहां पर वेसल नहीं पाई जाती, ड्रिमिस में वेसल एब्सेंट होती है, तो इसीलिए ऑल एंजियोस्पर्म आप नहीं कर सकते हो, है ना, ऑल एंजियोस्पर्म आप नहीं कर सकते हो आंसर, मोस्ट एंजियोस्पर्म। अच्छा, जिम्नो और टेरिडो में वेसल नहीं होती, लेकिन कुछ जिम्नो और टेरिडो के मेंबर हैं जिनमें वेसल पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को स्टोर कौन करता है, कॉकरोच में फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है? कॉकरोच में, हाँ कॉकरोच में फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है? क्रॉप, है ना। अच्छा, हम लोगों में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट फूड को स्टोर करता है, तब आप क्या करोगे? अगर हम लोगों में पूछा जाए कि फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो आप क्या आंसर करोगे? हाँ, यहाँ पे तो क्रॉप करता है, गिजर्ड, देखिए गिजर्ड बेटा ग्राइंडिंग का काम करता है, खाने को पीसने का काम गिजर्ड के द्वारा किया जाता है ना, गैस्ट्रिक सी का एंजाइम को सिक्रीट करता है। अच्छा, तो हम लोगों में अगर हम देखें तो हम लोगों में स्टमक फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्टमक फूड को स्टोर करने का काम करेगा। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कहां पर पाया जाता है? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, नहीं बेटा सीमा 2 से 3 नहीं, 4 से 5 घंटे तक, है ना। सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है सीलेंट्रेटा, पूरी फेरा में नर्वस सिस्टम पाया ही नहीं जाता, पूरी फेरा अकेला ऐसा एनिमल किंगडम का फाइलम है जहां पर न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो सीलेंट्रेटा से शुरुआत होती है और सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलो, इन टोबैको कैलस, इन टोबैको कैलस, कैलस तो आप जानते ही हैं, विच वन सेल इंड्यूस सूट डिफरेंशिएशन इन कॉम्बिनेशन टू ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। अगर सूट का डिफरेंशिएशन, ये बात मैंने आपको एनटीए के मॉक टेस्ट में बहुत बार बताई है कि अगर सूट का डिफरेंशिएशन कराना है तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर रूट का डिफरेंशिएशन कराना होता तो आपका आंसर बी हो जाता, अगर इस क्वेश्चन में सूट की जगह पर यहां पर अगर रूट कर दिया जाए तो आपका आंसर उस केस में बी हो जाएगा। क्रॉसेज इन्वॉल्विंग प्लांट ऑफ सेम वेराइटीज, अगर एक ही वेराइटी में क्रॉस कराते हैं, एक ही वेराइटी में क्रॉस कराते हैं बेटा, तो उसे इस क्रॉस को क्या कहेंगे? दैट क्रॉस इज नेम्ड एज, अंदाजा लगा लीजिए, अगर सेम वेराइटी में क्रॉस कराते हैं, है ना, सेम वेराइटी के दो प्लांट हैं, तो विधिन अगर कराएंगे तो इंट्रा वेराइटल कहेंगे। अच्छा, अगर डिफरेंट वेराइटी कहा जाए, अगर डिफरेंट वेराइटी के प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, है ना, अलग अलग वेराइटीज हैं उनके बीच क्रॉस कराते हैं, तो इंटर वेराइटल कहेंगे, इंटर मतलब डिफरेंट और इंट्रा मतलब विधिन, मतलब सेम आंसर आप करोगे, ठीक है, दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप वेराइटी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, कौन सा इनकरेक्ट मैच आपको दिया गया है? पूसा सवानी फ्रूट बोरर सही है, पूसा सेम टू सूट बोरर ये गलत है, पूसा गौरव एफिड से रेजिस्टेंट है, पूसा सेम थ्री जेसिड एंड एसिड से रेजिस्टेंट है, और पूसा सेम टू भी जेसिड और एफिड से रेजिस्टेंट है, यहाँ पर सूट बोरर दिया गया जो कि गलत है, जो पूसा सवानी है फ्रूट और सूट बोरर से रेजिस्टेंट होती है। द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रूशियम इन द चाइना रोज, चाइना रोज में एंड्रूशियम के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, चाइना रोज में कौन सा टर्म यूज करते हो बेटा? देखिए पी में तो आप यूज करते हो कौन सा टर्म, पी
पी में अगर आप बात करते हैं, पी में डाई एडल्फस टर्म यूज करते हो, है ना। सिट्रस की बात करें तो पॉली एडल्फस टर्म यूज करते हो, और चाइना रोज में मोनो एडल्फस टर्म का यूज करता है। एनसीईआरटी में तीनों एग्जाम्पल दिए गए। फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म रूट हेयर। नहीं बेटा, इलोंगेशन ही मैचुरेशन रीजन से रूट हेयर निकलते हैं। निमेटोफोर आर सीन इन सोनरेसिया, बिल्कुल, राइजोफोरा और सोनरेसिया में निमेटोफोर पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस रूट आर सीन इन द बानियन ट्री, एडवेंटिशियस रूट, बिल्कुल, बानियन ट्री में एडवेंटिशियस रूट होती है। एंड मेज एंड सुगर केन हैव प्रॉप रूट, मेज एंड सुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाती है। तो करेक्ट क्या है, बी और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम। चलिए कॉलम मैच करते हैं। पहला क्या है, टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी क्या है, कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम ए एक्सप्लांट। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। सोमा क्लोन क्या हो जाएगा बेटा, प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। सोमैटिक हाइब्रिड क्या हो जाएगा, प्लांट ग्रोन फ्रॉम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। और बायो फोर्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, बायो फोर्टिफिकेशन में आ जाएगा ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये पांच सवाल के बराबर एक ही सवाल बेटा आपका हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 19 में। क्वेश्चन नंबर 20, जिम्नोस्पर्म उड इज सॉफ्ट। जिम्नोस्पर्म की उड को सॉफ्ट कहते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म की उड में क्या नहीं होता बेटा, वेसल नहीं पाई जाती और इसलिए सॉफ्ट उड कहा जाता है। एंजियोस्पर्म में वेसल होती हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म की उड को हार्ड उड के नाम से जाना जाता है। तो सॉफ्ट उड जिम्नो में और हार्ड उड पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म में। छोटी छोटी बातें आप सीखते चलिए बेटा। मेरिस्टम कल्चर, मेरिस्टम कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हॉर्टिकल्चर, बागवानी कहते हैं हॉर्टिकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी। एग्रीकल्चर खेती और हॉर्टिकल्चर बागवानी कहते हैं, खेती बागवानी। मेरिस्टम कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हॉर्टिकल्चर टू गेट, मेरिस्टम कल्चर से क्या करते हैं बेटा, डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट की रिकवरी की जाती है। तो मेरिस्टम कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट को ऑप्टेन किया जाता है। कल मैंने क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन को कनेक्ट करता है, लिंक करता है। लिंक मतलब कनेक्ट करने का काम, और कनेक्ट करने का नाम कनेक्टिव टिश्यू करता है, इसलिए इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना। पहला क्या है, अबाउट 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम हिडन हंगर। गलत है बेटा, 3 बिलियन पर्सन हिडन हंगर का शिकार है। अबाउट 840 मिलियन पर्सन जो है बेटा वो हंगर है ना, 840 मिलियन जो इनको एडिक्वेट खाना ही नहीं मिलता भरपेट। हिडन हंगर का शिकार 3 बिलियन है। अबाउट 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशियंसी, ये हिडन हंगर है, ये सही है। अबाउट 25% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, 25% दुनिया की आबादी भुखमरी और कुपोषण का शिकार है। सिंगल सेल प्रोटीन इज वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट बी हो जाएगा। प्लांट मीडियम यूज्ड वाइडली इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम इज गॉट फ्रॉम। कल्चर में कौन सा प्लांट मीडियम यूज किया जाता है, तो कल्चर में कोकोनट मिल्क को यूज किया जाता है ना। कोकोनट मिल्क को मीडियम के तौर पे यूज करते हैं, और कोकोनट मिल्क किससे मिलता है, कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट का साइंटिफिक नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अर्थवर्म के बारे में आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो चलिए एक एक पढ़िए और बताइए। द डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह की जो नेफ्रीडिया होती हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। बिल्कुल, 3 तरह की नेफ्रीडिया होती हैं, है ना, इंटिग्मेंटल, सेप्टल, फेरेंजियल, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लोकेशन अलग अलग होती है। अर्थवर्म हैज नो आईज, ये भी सही है। अर्थवर्म हैज ट्रेस रिसेप्टर और कीमोरिसेप्टर, ये भी सही है। अर्थवर्म डो नॉट हैव लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन, ये गलत है। अर्थवर्म में लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
हु कुड ग्रो टोमेटो रूट सक्सेसफुली एंड डेवलप द टिश्यू कल्चर टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम। टोमेटो रूट को किसने ग्रो करा के टिश्यू कल्चर टेक्निक को पहली बार डेवलप किया था? यह आपके लिए नया सवाल हो सकता है। क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 26, ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा पीआर व्हाइट के द्वारा डेवलप किया गया था। फ्लोरल फॉर्मूला जो आपको दिया गया बेटा, ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है? तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाया गया क्वेश्चन नंबर 27, ये फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का है ना। अब सोयाबीन फैबेसी का मेंबर है ना, सनहेम फैबेसी का मेंबर है, ट्यूलिप की अगर बात करें लिलियेसी का मेंबर है, टोबैको सोलेनेसी का मेंबर है, तो इसी का फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए मैच करिए जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में मैच करिए। ब्रैसिका सरसों की वैरायटी कौन सी है? पूसा स्वर्णिम। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में हो जाएगा पूसा सुभरा। चिली भिंडी, चिली मिर्च की क्या है? पूसा सदाबहार। और ओकरा, ओकरा है पूसा सवानी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में? 28 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लेडीज फिंगर और ओकरा बिलोंग टू द फैमिली। ये भिंडी है बेटा, भिंडी को लेडीज फिंगर कहते हैं या ओकरा भी कहा जाता है। एबेलमेस्कस एस्कुलेंटस साइंटिफिक नेम है। तो इसकी फैमिली का नाम आपको बताना है, इसकी फैमिली क्या है? दैट इज मालवेसी। मालवेसी इसकी फैमिली है भिंडी की। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सेल, नहीं बेटा कल आइसक्रीम थोड़ी सी खा ली ना, इसलिए थोड़ा सा खांसी आ रही है, बाकी तो ठीक है। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सेल टू रीजनरेट होल ऑर्गेनिज्म, करें कि प्लांट में सेल के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करके। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज टोटी पोटेंसी। इस प्रॉपर्टी को टोटी पोटेंसी कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखिए क्रोनो टर्म आता है एज के लिए, एज के लिए। डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वुड है ना। तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ ट्री बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग इन द मेन स्टेम। एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट की एज को डिटरमाइन करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। रजिस्टेंस टू जेसिड्स, रेजिस्टेंस टू जेसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस कैरेक्टर की वजह से कॉटन जेसिड से रेजिस्टेंट हो जाता है और वीट सीरियल लीफ बीटल से रेजिस्टेंट हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज करेक्ट आंसर, हेयरी लीफ की वजह से। एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट, एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट इज प्रेजेंट। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर पाया जाता है? रूट में एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर पाया जाता है? ओनली इन रेडिकल, ओनली इन टैप रूट, ओनली इन एडवेंटिशियस रूट, इन इन ऑल द रूट। तो बेटा एपिकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टम सभी रूट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सभी रूट में पाया जाता है। इन टिश्यू कल्चर मीडियम, इन टिश्यू कल्चर मीडियम द सोर्स ऑफ फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन की बात करा कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का सोर्स क्या है? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का सोर्स है बेटा कोकोनट मिल्क या नारियल पानी जिसे आप कहते हैं बेटा, और यही कोकोनट मिल्क कोकोस न्यूसीफेरा से मिलता है, जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया हुआ था। चलिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट आपको दिए गए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। 35 में पहला क्या है? लिगामेंट विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। तो मैंने कोट बताया था बल्ब, कि लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करता, तो स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर क्या करें? ब्लड बोन एंड कार्टिलेज आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज मस्कुलर टिश्यू, नहीं बेटा कनेक्टिव टिश्यू है ये।
मोस्ट ऑफ द बोन इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाई कार्टिलेजेस इन एडल्ट. ये भी गलत है. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाई बोन इन द एडल्ट. तो करेक्ट कौन सा है? नन. करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या करोगे? नन आंसर यहाँ पर करोगे. यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. इन टिश्यू कल्चर कैलस कैन बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म सूट और रूट बाई ऑल्टरिंग द रेशियो ऑफ. सूट या रूट को इंड्यूस करने के लिए किसका रेशियो चेंज करते हैं बेटा? तो दो हार्मोन मैंने हमेशा आपको बताए हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो आप चेंज करेंगे. अगर ऑक्सिन ज्यादा डालेंगे, साइटोकाइनिन कम डालेंगे तो रूट डेवलप हो जाएगी. साइटोकाइनिन को ज्यादा डालेंगे, ऑक्सिन को कम डालेंगे तो सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड. एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड अभी बताया था ना, एंथर से डेवलप करते हैं. प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड को किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. 37. ये डेवलप किया गया था गुहा और महेश्वरी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा. एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड डेवलप किए गए थे. चलिए यहां पर मैच करिए कॉलम को. एक तरफ आपको क्रॉप दी गई है और दूसरी तरफ उसकी वैरायटी आपको दिखाई गई क्वेश्चन नंबर 38 के लिए. भिंडी में क्या हो जाएगा? भिंडी की वैरायटी क्या है? पूसा A4 हो जाएगा. काउपी मैंने बताया पूसा कोमल कोको बीबी. रैप सीड मस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं पूसा गौरव. कॉलीफ्लावर की बात करें तो पूसा स्नोबॉल K1 हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या करोगे? डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 38 के लिए. कॉटिलिडन्स एंड टेस्टा आर रिस्पेक्टिवली एडेबल इन. कॉटिलिडन और टेस्टा कहाँ पर एडेबल होता है? टेस्टा क्या होता है? सीड कोट. आउटर सीड कोट जो होता है बेटा उसे टेस्टा कहते हैं. आउटर सीड कोट को टेस्टा कहते हैं. तो सीड कोट कहां पर एडेबल पार्ट है? सीड कोट कहां पर एडेबल पार्ट होता है बेटा? पॉमग्रेनेट अनार जिसे आप कहते हैं ना, अनार में जो टेस्टा होता है ये एडेबल पार्ट होता है. और ग्राउंडनट मूंगफली में जो कॉटलेडन होते हैं एडेबल पार्ट होते हैं. तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा यहाँ पर. वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन. अल्टरनेट सोर्स ह्यूमन और एनिमल न्यूट्रिशन के लिए क्या है? दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन अल्टरनेट सोर्स है. एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बेटा डायरेक्टली. विच वन आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पांच स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन कौन से करेक्ट है चलिए जरा देखते हैं. 41. पहला क्या दिया है? Uneven thickening of cell wall is characteristic of sclerenchyma. Uneven thickening पाई जाती है बेटा कहाँ पर? कॉलेनकाइमा में. कॉलेनकाइमा में thickened corner पाए जाते हैं, उसी को बात कर रहा uneven thickening. Periblem form cortex of stem and root. Dermatosen epidermis को बताता है, periblem cortex को बनाता है. ये सही है, ठीक है periblem. ट्रैकीड आर द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन जिम्नोस्पर्म. बिल्कुल, क्योंकि वेसल पाई नहीं जाती. एनजीओ में वेसल चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट होती हैं, लेकिन जिम्नो में ट्रैकीड. कॉम्पेनियन सेल आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी. कॉम्पेनियन सेल जब मैच्योर हो जाती हैं तो कॉम्पेनियन सेल नहीं बेटा, सीव ट्यूब में मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस नहीं होता. कॉम्पेनियन में तो होता है, ये गलत हो जाएगा. कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्कस सुपर जिसे ओक कहा जाता है. तो ये भी सही है. तो कितने कौन कौन से हैं? बी सी और ई स्टेटमेंट. बी सी और ई स्टेटमेंट यहां पर सही है. ड्यूरिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के समय आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 42. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के समय पहला ऑप्शन है सोमा क्लोन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. बेटा ये माइक्रो प्रोपिगेशन है. एपिकल मेरिस्टम आर कल्चर टू वायरस प्री प्लांट. ये मेरिस्टम कल्चर का केस है. सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला डाइजेस्टेड बिफोर द फ्यूजिंग ऑफ सेल. बिल्कुल ये सही है. और जो डी ऑप्शन आपको दिया गया ये बायो फोर्टिफिकेशन कहा गया है ना. तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. द एपिथीलियल पोमेटो वाला केस है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. द एपिथीलियम फाउंड इन द लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है. स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सा होता है? सिंपल कॉलमिनर एपिथीलियम पाया जाता है. द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू
मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है कॉम्प्लेक्स एनिमल में? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द टिश्यू. कैलस इज, कैलस क्या है बेटा, कैलस क्या है, व्हाट इज कैलस? कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. ये अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सेल का, और जब हम हार्मोन को ऐड करते हैं तो इससे नया प्लांट डेवलप होता है. दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल अलोंग विद ऑक्सिन. अलोंग विद ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ अनदर हार्मोन इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्निक. ऑक्सिन के साथ किसका यूज करते हैं बेटा? अभी मैंने दो बार कराया क्वेश्चन, साइटोकाइनिन का यूज करते हैं. फ्लैसी रिसेप्टिकल, फ्लैसी रिसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेस ए नंबर ऑफ, ये आपके नीट में यानी सीबीएसई एआईपीएमटी पूछा गया. फिग जिसे आप कहते हैं अंजीर या गूलर, गांव में गूलर कहते हैं, पढ़ाई लिखाई में अंजीर कहते हैं, है ना. वैसे इसका नाम है फाइकस कैरिका, साइंटिफिक नेम की अगर बात करें. इंग्लिश में फिग कहते हैं, इतने सारे नाम हैं. इसमें जो फ्रूट होता है बेटा, है ना, फिग की अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसमें साइकोनस, साइकोनस नाम का फ्रूट पाया जाता है. तो साइकोनस करें कि इसको यहाँ पर इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ एकीन की अगर हम बात करें तो उसे ये इनक्लोज करने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 48, मैच द कॉलम. चलिए कॉलम मैच करके बताइए. क्वेश्चन नंबर 48, रेडियल वेस्कुलर बंडल. रेडियल कहाँ पाए जाते हैं बेटा? रेडियल वेस्कुलर बंडल हमेशा रूट में प्रेजेंट होते हैं ना. रेडियल वेस्कुलर बंडल हमेशा रूट में पाए थे. आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट. कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं बेटा. कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल सनफ्लावर स्टेम में आपको मिल जाएंगे. स्टेम है ना, स्टेम में कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होते हैं. बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल मैंने क्वेश्चन आपको कराया है दो बार. कुकरबिटा, कुकरबिटेसी फैमिली में, ये एनटीए के मॉक टेस्ट में मैंने कराया था. बाइकोलेट्रल फिगर भी दो बार मैंने बाइकोलेट्रल का बना के दिखाया आपको, है ना, कि जाइलम बीच में होता है, दोनों तरफ फ्लोएम होता है और कैम्बियम की दो स्ट्रिप यहाँ पर इस तरीके से पाई जाती हैं. अब एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल, एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल फर्न में पाया जाता है. और एम्फीवेजल वेस्कुलर बंडल जो होता है बेटा, ये पाया जाता है ड्रेसिना में. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 49, अपने आप क्वेश्चन जोड़ते रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन लाइक स्पाइरुलिना. स्पाइरुलिना को किस पे ग्रो करा सकते हैं? स्ट्रॉ के ऊपर, भूसे के ऊपर, सीवर के ऊपर एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट ऑल. कल मैंने क्रैश कोर्स में ये सारी बातें आपको बताई थी बेटा. हिस्टोजन आर द कंपोनेंट ऑफ, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि हिस्टोजन किसका कंपोनेंट होता है? सेकेंडरी फेलोजन का, एपिकल मेरिस्टम का, लेटरल मेरिस्टम का या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम का? तो हिस्टोजन इज द कंपोनेंट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम. हिस्टोजन थ्योरी है, एक है ना. मेरिस्टम दैट आर पैरेलल, मेरिस्टम दैट आर पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ प्लांट. जो प्लांट के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल पाया जाए, ऐसा है ना, ये प्लांट की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है तो इसके पैरेलल जो टिश्यू पाया जाता है दैट टिश्यू इज नेम्ड एज प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग पाया जाता है. फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ठीक है, देखिए जरा बताइए. 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन इन अ डे, एकदम सही है. Spirulina when growing on sewage also reduces environmental pollution besides producing large quantities of protein, सही है. 250 kilogram cow produces 200 gram of protein per day, ये भी सही है. NCRT में पुराने NCRT point थे, नई NCRT में हटा दिए गए, है ना. The shift from, ये कल मैंने आपको समझाया था, the shift from meat to grain diet create more demand for cereal. उल्टा लिखा है बेटा, गलत लिखा हुआ है ना. The shift from ग्रेन डाइट टू मीट डाइट, है ना, ग्रेन से मीट की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो सीरियल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एक किलोग्राम मीट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 से 10 किलोग्राम अनाज की जरूरत पड़ती है. तो डी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है. अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, आप मीट खाना स्टार्ट कर दें तो आपकी वजह से कई 100 लोग भूखो मरेंगे. तो इसका मतलब है कि ग्रेन से मीट डाइट की तरफ शिफ्ट होने पे सीरियल की डिमांड बढ़ती, क्योंकि एक किलोग्राम मीट को डेयरी फार्म मैनेजमेंट या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से
एनिमल हस्बेंड्री से डेवलप करने के लिए 3 से 10 किलोग्राम अनाज की जरूरत पड़ती है। कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था, अगर आपने क्रैश कोर्स देखो, 1 किलोग्राम मीट अगर प्रोड्यूस करना है मुर्गे से, तो मुर्गे को 3 से 10 किलोग्राम अनाज खिलाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि 10 किलोग्राम अगर अनाज है, चावल है, तो 10 किलोग्राम चावल 3 लोग अगर रोज खाएं तब भी 15 दिन खा सकते हैं, लेकिन 3 लोग अगर 1 किलोग्राम मीट है तो एक ही बार में उड़ा देंगे, साफ कर देंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि आपकी वजह से भी भुखमरी हो रही है। हम मुर्गे तो मतलब ये बात आप समझ रहे होगे ना कि अगर आप मुर्गा खाते हैं तो आप भी लोगों के कुपोषण का एक शिकार हैं, है ना? कुछ लोग लेग पीस, एपिथीलियम प्रेजेंट इन कॉर्निया, हड्डी तोड़ तोड़ के एकदम उसका एकदम बोन मैरो निकाल लेते हैं, है ना? उसके बाद कुछ लोग कहते हैं मजा नहीं आया, इसकी लेग पीस कमजोर थी। अबे मुर्गे की जान चली गई, तुमको लेग पीस कमजोर मिला, मतलब अब क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। और हम लोग की जो ओरिजिनल हैबिट है बेटा, वो हर्बी हो रही है। कई सारे उसके रीजन है। हर्बी और होने का पहला रीजन कि हमारे कैनाइन जो है वो नुकीले नहीं, दूसरा रीजन हमारी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग है, जो जो कार्नी और होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे पता चलता है कि हम एक्चुअली हर्बी और ही थे, है ना? रोस्टेड याद आ गया, देखो कुछ लोग के मुंह में पानी आ गया होगा एपिथीलियम प्रेजेंट इन कॉर्निया, इसोफेगस, यूरेथ्रा एंड वेजाइना, यहां पर कौन सी एपिथीलियम पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 53। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया। दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम पाई जाती है इन कैमल, है ना, ऊंट में, ऊंट में जो ऊपर नहीं निकला रहता कूबड़, बीच में हम्प कहते हैं जिसे, इन कैमल द हम्प इज मेनली, इन कैमल द हम्प इज मेनली मेड ऑफ टिश्यू, हम्प किस टिश्यू के द्वारा बना होता है? क्वेश्चन नंबर 54। दैट इज एडिपोज टिश्यू, इसका जो हम्प होता है उसमें फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू से बना होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट थ्रू टिश्यू कल्चर, लार्ज नंबर में टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांटलेट को ऑब्टेन करना, दैट इज नेम्ड एज माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्निक। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपिगेशन कहा जाता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज कैरीड आउट बाय, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से पोमेटो बनाया गया। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? पॉलन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सेल कल्चर या फिर हैप्लॉयड कल्चर। तो बेटा इसमें आप जानते हैं कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है, यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन्हें साइथियम, साइथियम बेटा एक इनफ्लोरसेंस है, साइथियम एक इनफ्लोरसेंस है। और साइथियम में जो मेल और फीमेल फ्लावर का रेशियो होता है ये इनफाइनाइट इज टू वन होता है। तो साइथियम में फीमेल फ्लावर का नंबर हमेशा एक होता है और मेल फ्लावर कई सारे होते हैं, इनफाइनाइट या सेवरल आप कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता मेल फ्लावर का नंबर तो आपका ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है? चलिए मैच करिए कॉलम, एक तरफ करेक्टर आपको दिखाई गई, दूसरी तरफ क्रॉप आपको दिखाई गई। क्वेश्चन नंबर 58 में विटामिन ए रिच, विटामिन ए रिच कौन सा है बेटा यहाँ पर? विटामिन ए एनरिच्ड,
दैट इज पंपकिन, कैरेट एंड पंपकिन दो हो जाएंगे। ये आप याद कर सकते हो, कैप्स। विटामिन ए एनरिच्ड हो जाएगा कैरेट पंपकिन, है ना, कैप। स्पिनच भी होता है लेकिन ऑप्शन में ए को टू से मैच नहीं कराया गया है। अच्छा, विटामिन सी एनरिच्ड की बात करें, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गार्ड हो जाएगा, करेला जिसे कहते हैं। आयरन और कैल्शियम एनरिच्ड हो जाएगा स्पिनच, और प्रोटीन रिच हो जाएगा लवलब, ब्रॉड बीन जिसे आप कहते हैं, विसिया फाबा। नहीं, विसिया फाबा तो अलग है, उसे तो फाबा बीन कहते हैं ना, ये लवलब बीन है। तो करेक्ट आंसर क्या करोगे? कोई डिसलाइक भी किया है क्या? अच्छा, कुछ लोगों को मेरी बात हो सकता है, 6 बच्चों ने डिसलाइक किया है, नीट माता माफ नहीं करेगी। हाँ, डॉलिकॉस लब लब कहते हैं, नीतीश बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 59, और तुम लोग तो लाइक करो नालायकों। द फ्रूट इज चैम्बर्ड, ध्यान दीजिए, फ्रूट इज चैम्बर्ड, डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड है सीड विद सकलेंट टेस्टा। सकलेंट टेस्टा अभी तो बताया था, सकलेंट मतलब रसीले, टेस्टा मतलब सीड कोट, तो रसीले सीड कोट होते हैं बेटा, है ना, रसीले सीड कोट। कहां पर? अनार में पाए जाते हैं, दैट इज पोमग्रेनेट। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन पाइनस। पाइनस में क्या नहीं पाया जाता है? पाइनस में क्या नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक कोड मैंने आपको बताया था क्लास में बेटा, पॉलीमैन, याद है आपको? पॉलीमैन, पॉलीमैन कौन था? जैसे मैंने कहा था शक्ति मैन, आयरन मैन, है ना, बैटमैन, वैसे एक पॉलीमैन मैंने बनाया है। और ये पॉलीमैन किसको मैंने बनाया? साइकस को। साइकस इज ए पॉलीमैन। तो साइकस में दो तरह की उड होती है, एक होती पॉलीजाइलिक और एक होती मैनोजाइलिक। तो मैनोजाइलिक उड कहां पर है? साइकस में। तो ये पाइनस का करेक्टर नहीं, पाइनस में होती है मोनोजाइलिक। पाइनस में मोनोजाइलिक उड पाई जाती है और पिकनोजाइलिक उड पाई जाती है, पिकनोजाइलिक। पाइनस में मोनोजाइलिक और पिकनोजाइलिक उड होती है, साइकस में पॉलीजाइलिक और मैनोजाइलिक उड पाई जाती है। तो बाकी जो फीचर है, बॉर्डर पिट, रेजन कैनाल, जाइलम ट्रेकेरिया, नीडल, ये सब पाइनस के कैरेक्टर हैं, लेकिन मैनोजाइलिक उड साइकस का कैरेक्टर है। व्हेन फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाई जाइलम, द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। फ्लोएम सेंटर में है, इस तरीके से फ्लोएम सेंटर में है एंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय द जाइलम, और इसके चारों तरफ जाइलम है ये। ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे? ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए, फ्लोएम के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? लेप्टोम टर्म यूज करते हैं, है ना, फ्लोएम के लिए लेप्टोम टर्म यूज करते हैं। और ये फ्लोएम सेंटर में, तो देखिए इसे क्या कहेंगे? लेप्टोसेंट्रिक, यानी फ्लोएम सेंटर में है, इसे एम्फी वेजल भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम, जाइलम अगर फ्लोएम से सराउंडेड हो, तो देखिए अब जाइलम के लिए हेड्रो टर्म यूज करते हैं, हेड्रोम, है ना, तो हेड्रोसेंट्रिक, यानी सेंटर में कौन है? जाइलम हो जाएगा। तो ये वाला जो वेस्कुलर बंडल है, इसे हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल कहा जाएगा। पूसा स्नोबॉल के वन एंड पूसा ए फोर आर रेजिस्टेंट फ्रॉम। पूसा स्नोबॉल के वन और पूसा ए फोर किससे रेजिस्टेंट है बेटा? पूसा स्नोबॉल के वन की बात करें तो ये ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट है, ये ब्लैक रॉट से, और पूसा ए फोर सूट एंड फ्रूट बोर्ड से रेजिस्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन, ये थोड़े से कठिन सवाल होते हैं, दो टेबल मैंने बताई थी, क्रैश कोर्स मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट, तो उनको आप अच्छी तरीके से याद भी रखिएगा, ठीक है? चलिए, लाइक भी करते रहो बेटा, जल्दी जल्दी लाइक करो सब लोग। ट्रांजिशनल एपिथीलियम, 500 लाइक कंप्लीट करो, 435 हैं, जल्दी से इसको 500 करो। 11 डिसलाइक जो हुई है ना बेटा, इनको नीट माता माफ नहीं करेगी, इनको नीट में देख लिया जाएगा। ट्रांजिशनल एपिथीलियम अकर से, ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहां पर पाई जाती है? ट्रांजिशनल एपिथीलियम मैंने कई बार बताया बेटा, है ना, कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है।
और बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने की वजह से खिंचाव हो सकता है, एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। लिगामेंट कनेक्ट, अभी इससे आसान सवाल तो हो भी नहीं सकता, लिगामेंट किसे कनेक्ट करता, कम से कम 10 बार तो मैंने ये लिखा ही है, बल्ब है ना। तो लिगामेंट कनेक्ट करता है किसको, बोन से बोन को, और टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से, टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। पॉलिन ग्रेन ऑफ प्लांट आर कल्चर टू गेट कैलस बाय टिश्यू कल्चर, व्हाट विड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ कैलस। चलो बताओ कैलस में कितनी सेल होंगी, क्वेश्चन नंबर 65। कैलस में कितनी सेल पाई जाएंगी, कैलस की सेल में कितनी सेल होंगी। पॉलन ग्रेन से ध्यान दीजिए ना, पॉलन ग्रेन को कल्चर कर रहे हैं बेटा, तो अगर 2N48 है तो पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉयड है, तो N14 हो जाएगा। अब अगर पॉलन ग्रेन से हम कल्चर बनाएंगे बेटा, तो पॉलन ग्रेन की सेल माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और कैलस बनेगा, तो कैलस की हर सेल में 14 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है, 14 क्रोमोसोम ही होंगे। सेलुलर टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी इज सोन बाई, सेलुलर टोटिपोटेंसी कौन शो करता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी सोन बाई, जल्दी से बताइए सेलुलर टोटिपोटेंसी कौन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 66, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑल प्लांट सेल, जितनी भी प्लांट सेल हैं सभी में टोटिपोटेंसी पाई जाती है, जिनको नहीं पता अच्छी तरीके से याद करिएगा। Which type of placentation is seen in sweet pea? Sweet pea किसका मेंबर है? फैबेसी का। तो फैबेसी में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है बेटा? फैबेसी में पाया जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मैच द कॉलम कैरेक्टरिस्टिक आपसे, और इधर एक क्रॉप और वेराइटी आपको दी गई। क्वेश्चन नंबर 68, चलिए प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, एटलस 66 वीट की वैरायटी है। विटामिन कंटेंट, विटामिन ए कैरेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट स्पिनच है ना, और अमीनो एसिड कंटेंट मेस का हाइब्रिड डेवलप किया गया था सन 2000 में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पेंटामेरस, पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइकार्पिलरी ओवरी, ऑब्लिक सेप्टम, एंड फ्रूट इज कैप्सूल और बेरी। अब यहां पर देखिए ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टम, बस यहीं से आप पहचान कर सकते हो कि ये एक्चुअली बात हो रही सोलेनेसी फैमिली के बारे में, है ना, सोलेनेसी फैमिली के बारे में बात हो रही है। Which of the following pair is incorrectly matched with respect to crop varieties for disease resistance? Crop variety for disease resistance कौन सा incorrectly match है? Question number 70। पहला cauliflower, tobacco mosaic virus and leaf curl, बेटा ये cauliflower नहीं होता, यहाँ पर chili जो होता है वो resin, तो यही incorrect हो गया। brassica white rust, wheat leaf and stripe rust, काउपी बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर होगा। टाइलोसिस अकरिंग, टाइलोसिस क्या होते हैं बेटा, टाइलोसिस एक्चुअली पैरेन्काइमेटस सेल के प्लग होते हैं जो कि जाइलम के ल्यूमेन को ब्लॉक कर देते हैं, है ना, जाइलम के ल्यूमेन को ब्लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये जाइलम के ल्यूमेन को ब्लॉक कर देते हैं, और एक्चुअली जाइलम जो उड होती है ना, जो उड होती है हार्ट उड है ना, हार्ट उड का जो ल्यूमेन होता है उस ल्यूमेन को ब्लॉक करते हैं। उड क्या है, उड इज द सेकेंडरी जाइलम, यानी टाइलोसिस हमेशा सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होंगे। ए डाइकॉट इन विच स्टेम हैज स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, बेटा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कैरेक्टर होता है किसका, मोनोकॉट स्टेम का, ये मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टर है, बट बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो एक डाइकॉट प्लांट भी है जिसके स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, दैट इज पिपरोमिया, पिपरोमिया नाम का प्लांट है जिसमें डाइकॉट प्लांट में
स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये पिप्रोमिया नाम का प्लांट, ज्यादातर बच्चे नहीं जानते इस बारे में। रिपलम अकर इन द ओवरी। और बेटा रिपलम क्या है, दैट इज नेम्ड एज फॉल्स सेप्टम, ये होता है फॉल्स सेप्टम, है ना। जैसे अगर आप ब्रैसिकेसी फैमिली की बात करें तो वहां पर ओवरी के अंदर एक ही सेप्टम होता, मतलब यहाँ पर कोई एक ही चैम्बर होता है, लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से ओवरी बाइलोकुलर हो जाती है, पहले यूनिलोकुलर होती है बाद में बाइलोकुलर होती है, तो इसी फॉल्स सेप्टम को रेपलम के नाम से जानते हैं, इसी को रेपलम कहा जाता है। तो ये ब्रैसिकेसी फैमिली में होता है, यानी मस्टर्ड में पाया जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल आपको बताना है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, यहाँ पर जल्दी से बेटा 500 लाइक कंप्लीट करो, 477 है। एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ पर पाया जाता है, इनमें से एक्साइल प्लेसेंटेशन लेमन में आपको मिल जाएगा। एक्साइल सेल्स ऑफ क्वेसेंट सेंटर, क्वेसेंट सेंटर याद है ना, क्वेसेंट सेंटर जहां पर सेल डिवाइड नहीं करती, क्वेसेंट सेंटर है ना, उस सेल के बारे में आपसे पूछा गया। क्वेसेंट सेंटर की सेल की क्या खास बात है, 75 लाइट साइटोप्लाज्म, कम साइटोप्लाज्म होता है और स्मॉल न्यूक्लियाई होती है। डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई तो उन सेल में होती है जो डिवाइड करती है, यानी मेरिस्टमैटिक सेल, जो मेरिस्टमैटिक सेल होती है उनमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। All complex animal consist of only four basic type of tissues: connective, muscular, neural and epithelial. These tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an. अगर टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो इससे क्या बनेगा? टिश्यू मिलेंगे तो बेटा टिश्यू के मिलने से organ बनेंगे, टिश्यू के मिलने से organ बनेंगे, जैसे stomach, lung, heart and kidney. तो correct answer क्या हो जाएगा? A correct answer हो जाएगा। मैच द कॉलम, चलिए कॉलम मैच करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 77, एप्पल, एप्पल क्या करोगे? माइक्रो प्रोपिगेशन, कोड मैंने बताया था बनाना, एप्पल, टोमेटो, बैट। सुगर केन क्या करोगे? मेरिस्टम कल्चर, कोड मैंने बताया था बीएसपी, मेरिस्टम कल्चर के बनाना, सुगर केन, पोटैटो। पोमेटो, पोमेटो क्या हो जाएगा? दैट इज सोमैटिक हाइब्रिड हो जाएगा, और स्पायरुलिना सोर्स है सिंगल सेल प्रोटीन का, तो करेक्ट आंसर ए। वेसल्स आर मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ, वेसल्स वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कहां पर है? डाइकॉट, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म, टेरिडो या जिम्नो। तो वेसल्स बेटा एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में होंगी, यहां पर ओनली ओनली लिखा है इसलिए आंसर नहीं कर सकते हैं, और टेरिडो और जिम्नो में तो वेसल पाई नहीं जाती, तो करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू, कनेक्टिव टिश्यू को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? क्वेश्चन नंबर 79, कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट, द एबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट टू प्रिवेंट the pathogen from causing disease which is determined by genetic constitution of host plant is called, plant की बीमारियों से बचने की जो क्षमता है that is named as, इस क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? That is named as resistance, इस क्षमता को resistance का नाम दिया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही, और अभी हमें टिश्यू कल्चर के 20 बढ़िया क्वेश्चन करने, ठीक है? तो भागिएगा मत, 20 अभी क्वेश्चन बाकी है बेटा जो हम बहुत कम टाइम में कर लेंगे, ठीक है? तो 10 मिनट का टाइम और लगेगा, जल्दी से सभी लोग कहां पर आएंगे? जल्दी से सभी लोग पहुंचेंगे menti.com पे, और कोड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, जल्दी से आइए menti पे, और menti पे कोड आपको मिल जाएगा, और इस कोड को अप्लाई कर दीजिए, है ना। चलिए कोड मैंने आपको दे दिया है, मिंटी पे आओ, भागना नहीं, ठीक है? 100 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है?
भागने की कोशिश मत करना। कोड है 73994, मेंटी कोड है 73994। 20 बहुत बढ़िया सवाल है, 73994 ये आज का मेंटी कोड है। ठीक है मैं भी ज्वाइन कर लूँ बेटा, है ना? चलो जल्दी से और फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 घंटे से कम टाइम में हमने 80 क्वेश्चन कर लिए और आराम से भी हमने किया, कोई बहुत जल्दबाजी हमने नहीं दिखाई है ना, और क्वेश्चन भी हो गए आपके। अगले 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हम और कर लेंगे। सेवन थ्री डबल नाइन फोर ये मेंटी कोड है आज का, 73994। मुझे मिला है वाटरमेलन। अच्छा तो बेटा कल का टॉपिक भी आप जान लीजिए, कल का टॉपिक हमारा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और एक यूनिट और बताइए जो आप चाहते हो, कौन सी यूनिट आप चाहते हैं? रूपाली करें सर, क्वेश्चन का नंबर और इंक्रीज करिए। बेटा क्वेश्चन में डेली बेसिस पर आपको करीब 200 क्वेश्चन कराता हूँ, 200 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, करीब 90 क्वेश्चन अमृता मैम कराती है, तो डेली बेसिस पे बायो के ही 300 क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं। ठीक है तो कल कौन सा चैप्टर आप चाहते हो, यूनिट बताओ आप, या 3-4 चैप्टर बताओ मैं करा दूं साथ में। मिंटी बेटा जो गांव बच्चों उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने मन रखने के लिए तुम लोगों का 20 क्वेश्चन करवा देते हैं ना, पहले इसलिए 50-50 कराते थे। ठीक बेटा मॉर्फोलॉजी, और ये मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन तो आज ही मैंने कराए। प्लांट फिजियोलॉजी तो अभी जल्दी कराया गया था बेटा, है ना? ह्यूमन फिजियो के 2 चैप्टर लास्ट वाले हो गए बेटा, आपने क्लास शायद नहीं की होगी, 2 चैप्टर नहीं हुए। तो चलो ऐसा करते हैं कि कल ह्यूमन फिजियो के 2 चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन फिजियो के 2 चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वैसे मैंने करा दिया था उसको मैंने करा दिया था बेटा। चलिए कल मैं आपको कराता हूँ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर हैं बेटा, और 4 चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? सही है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। नहीं लिविंग वर्ल्ड करा दूंगा बेटा, लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर जो है ना, चारों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। चलो पूजा स्टार्ट हो गई है, आप आंसर करना शुरू करो। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड आपसे पूछा गया है। चलो बताओ कन्वेंशनल मेथड क्या है बेटा,
दैट इज हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, है ना। देखो यही नाटक चलता है इसमें थोड़ा सा। तो 180 में से 120 बच्चों का आंसर बेटा सही था इसमें, है ना। हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ लेकिन 20 क्वेश्चन में करा देता हूँ बेटा, ताकि जो बच्चे मेंटी करना चाहते हैं, और मेंटी वालों को हमने पैसा भी बहुत दे दिया है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए, तो थोड़ा सा यूज भी कर लें उसको, है ना। चलो, विच इज नॉट प्रोटीन एनरिच्ड, कौन सा प्रोटीन एनरिच नहीं, ब्रॉड बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन पी या स्पिनच। स्पिनच नहीं है। 91 बच्चों का आंसर सही, 95 का आंसर गलत है। ब्रीडिंग क्रॉप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज रिफर्ड टू एज, क्या कहते हैं इसे। अगर हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग करते हैं, दैट टेक्निक इज नेम्ड एज, इस टेक्निक को क्या कहते हैं। दैट टेक्निक इज नेम्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन। 157 बच्चों ने सही किया, 40 बच्चों का आंसर यहां पर गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्निक, सॉरी बेटा, माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं। अभी कोड मैंने बताया था बेटा, बनाना एप्पल एंड टोमेटो के लिए ना, बैट तो ऑल नहीं करना था बेटा, बनाना सुगर कैन पोटैटो, इसके लिए मेरिस्टम कल्चर। केवल 44 बच्चों का आंसर सही, देखिए आप 150 बच्चों ने गलत किया आंसर, 150 बच्चों ने गलत किया है, इसीलिए ऑल दिया जाता आपको जनरली। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट कैन बी मेड डिजीज रेजिस्टेंट थ्रू, प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव, एक्सरे ट्रीटमेंट या हार्मोन ट्रीटमेंट के द्वारा। प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए परभनी क्रांति को याद करें, वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव, वाइल्ड रिलेटिव के साथ ब्रीडिंग कराई जाती है। मिंटी में यही समस्या आती थोड़ी सी। अब आइसक्रीम नहीं खाई जाएगी, एसी में ना रहे, एसी यहां बंद कर दिया मैंने। चलो देखते हैं लीडर बोर्ड देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में 122 बच्चों ने सही किया है, है ना, 122 बच्चों का सही और 60 बच्चों का गलत आंसर। तो यहां पर लीडर बोर्ड में जो 10 बच्चे, इन्होंने तो पांचों क्वेश्चन सही किए हैं। स्तुति टॉप पे है, देन गौरव, और दोनों के बराबर पॉइंट हैं, स्तुति गौरव के बराबर पॉइंट हैं, फिर लिविंग, फातिमा, काजल, धनंजय, संदीप, पीहू, संजय कुमार और अंकिता। चलिए तो 5 क्वेश्चन के बाद ये लीडर बोर्ड की कंडीशन है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बायो फोर्टिफाइड मेज हाइब्रिड आर इंप्रूव्ड फॉर, बायो फोर्टिफाइड मेज हाइब्रिड आर इंप्रूव्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 6, सन 2000 में इसे बनाया गया था, और इसमें अमीनो एसिड का कंटेंट काफी ज्यादा था, है ना, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो 181 में से 70 बच्चों ने सही किया है, और अच्छा ऑल भी ऑप्शन था, तो 81 बच्चों ने ऑल कर दिया, 111 बच्चों का आंसर गलत है, केवल 70 बच्चों का आंसर यहां पर सही, 111 बच्चों ने गलत किया है।
इन टिश्यू कल्चर टेक्निक, द सोर्स ऑफ कार्बन इज, टिश्यू कल्चर टेक्निक में कार्बन सोर्स क्या है? ये कल क्रैश कोर्स में मैंने बेटा बताया था आपको, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या CO2, कार्बन सोर्स कौन है बेटा? टिश्यू कल्चर टेक्निक में कार्बन सोर्स कौन होगा? दैट इज सुक्रोज, कार्बन सोर्स होगा, सुक्रोज इज द कार्बन सोर्स। तो 84 बच्चों का सही और 100 बच्चों ने गलत आंसर यहां पर किया है। क्वेश्चन नंबर 8, परभनी क्रांति, ए वेराइटी ऑफ भिंडी लेडीज फिंगर इज रेजिस्टेंट टू, परभनी क्रांति किससे रेजिस्टेंट है? बैक्टीरियल ब्लाइट से, लीफ कर्ल से, ब्लैक रॉट से या येलो मोजेक वायरस से? परभनी क्रांति किससे रेजिस्टेंट है बेटा? परभनी क्रांति इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस। 133 बच्चों ने सही किया, 50 बच्चों ने आंसर गलत किया है। इन स्टेम, इन वीट, सॉलिड स्टेम लीड टू रेजिस्टेंट फ्रॉम, वीट में सॉलिड स्टेम होने से वो किससे रेजिस्टेंट हो जाता है? स्टेम बोरर से, सीरियल लीफ बीटल से, जैसिड से या फिर स्टेम सॉफ्टफ्लाई से? इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्टफ्लाई, स्टेम सॉफ्टफ्लाई से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 67 बच्चों ने सही आंसर किया है और 111 बच्चों ने गलत आंसर किया है। केवल 67 बच्चों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हिमगिरी वेराइटी ऑफ वीट विच वॉज डेवलप्ड बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन इज मेनली रेजिस्टेंट टू, हिमगिरी आज ही हमने कई बार क्वेश्चन किया है, हिमगिरी किससे रेजिस्टेंट है? ये वीट की एक वेराइटी है जिसे हाइब्रिडाइजेशन और सेलेक्शन से डेवलप किया गया, ये किससे रेजिस्टेंट वेराइटी है? दैट इज लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। 116 बच्चों ने सही किया, 60 बच्चों ने गलत आंसर किया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड 10 क्वेश्चन के बाद। काफी चेंज हो गए। नंबर वन पे स्तुति अब है, देन फातिमा गौरव तीसरे नंबर पे हैं, देन रुक्षाना, संतोष, धनंजय, अंजू, संजय, रितु और संदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्तुति, फातिमा और गौरव में कंपटीशन काफी ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिडन हंगर, इनमें से कौन सा हिडन हंगर का परिणाम होगा? रिड्यूस लाइफ स्पैन, रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। आज जितने भी ऑल ऑफ द अबो अभी तक किए थे आपने, वो सब गलत थे। ये पहला ऑल ऑफ द अबो है जो कि सही है। और इसको कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया है? 164 बच्चों ने सेलेक्ट किया है, केवल 10 बच्चों का आंसर गलत है। 174 बच्चों ने इसका जवाब दिया था क्वेश्चन का, मैक्सिमम ने सही किया, वेरी गुड। विच वेराइटी इज रेजिस्टेंट टू कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट डिजीज, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट वाला क्वेश्चन आज मैंने कराया भी बेटा, ब्लैक रॉट वाला लाइव सेशन में मैंने क्वेश्चन कराया भी है। ब्लैक रॉट से कौन रेजिस्टेंट है? दैट इज पूषा शुभ्रा, पूषा शुभ्रा जो है वो कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट है। केवल 75 बच्चे सही कर पाए हैं, 100 बच्चों का आंसर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स क्या है? बैसिलस, मिथाइलोफिलस, सैक्रोमाइसिस या एजोस्पाइरिलम, कौन सा सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है? ये तो आसान है बेटा, लाइव सेशन में भी क्वेश्चन आया था, दैट इज मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स होता है। 136 बच्चों ने सही किया है और 40 बच्चों ने गलत किया है। बायो फोर्टिफाइड राइस, बायो फोर्टिफाइड राइस आर एनरिच्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, बायो फोर्टिफाइड राइस किस में रिच होता है? बायो फोर्टिफाइड राइस इज एनरिच्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज 5 टाइम ऑफ द आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आयरन। 78 बच्चों का आंसर सही है और यहाँ पर 100 बच्चों का आंसर गलत है, 100 बच्चों ने गलत आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 15, इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वाज इंड्यूस्ड बाय, मैंने कुछ कोड बताया था आपको अगर याद हो, मैंने कोड बताया था जो शायद आपको याद हो,
इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पोल्ट्री मिल्ड्यू म्यूट मूंग बीन में म्यूटेशन ब्रीडिंग कराया गया था। एम फॉर मूंग बीन मैंने बताया था और एम फॉर म्यूटेशन 216 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 115 बच्चों का आंसर सही है, 103 बच्चों ने गलत जवाब दिया यहां पर। चलिए देखते हैं यहां पर। हाँ, टॉप पे हैं स्तुति, देन गौरव सेकंड नंबर पे फिर से आ गए, देन रुक्षाना तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फातिमा चली गई हैं, देन संजय, अंजू देवी, धनंजय वर्मा, संदीप वर्मा, सत्येंद्र एंड संतोष। आखिरी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, पूसा स्वर्णिम इज ए वेराइटी ऑफ ब्रैसिका रेजिस्टेंट टू। पूसा स्वर्णिम ब्रैसिका की वेराइटी है जो किससे रेजिस्टेंट है। पूसा स्वर्णिम किससे रेजिस्टेंट वेराइटी है, दैट इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट। ये व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है बेटा। तो 88 बच्चों का आंसर सही है और 101 बच्चों का आंसर गलत है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, या हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय नेचुरल सिलेक्शन, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, या म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का बेटा मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 101 बच्चों ने सही किया है, 75 बच्चों ने गलत किया, 50 बच्चों ने नेचुरल सिलेक्शन कर दिया बेटा। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। एटलस 66 इज ए हाई प्रोटीन कंटेंट वेराइटी ऑफ, एटलस 66 हाई प्रोटीन कंटेंट वेराइटी है किसकी, हाई प्रोटीन कंटेंट वेराइटी एटलस 66 दैट इज द वेराइटी ऑफ द वीट। ये वीट की वेराइटी 176 182 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें 138 का आंसर यहां पर सही है और करीब 44 बच्चों ने गलत आंसर किया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हिमगिरी ए वेराइटी ऑफ वीट इज रेजिस्टेंट टू, हिमगिरी किससे रेजिस्टेंट है। तो ये रेजिस्टेंट है बेटा किससे, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। 117 बच्चों ने सही आंसर किया है और करीब यहां पर 55 बच्चों ने गलत आंसर किया, 55 बच्चों ने गलत किया है। हेरी लीव्स इन कॉटन प्रोवाइड, कॉटन में हेरी लीफ होने की वजह से किससे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। लाइव सेशन में भी इस बारे में बात हुई थी, हेरी लीफ होने से कॉटन में किससे रेजिस्टेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ऑप्शन यहाँ पर रेजिस्टेंस टू जैसिड, 80 बच्चों ने सही आंसर किया है और 90 बच्चों ने गलत आंसर किया है इसका। मतलब क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए स्तुति ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया आखिरी के 5 में से और गौरव ने सही कर दिया, तो गौरव आज के टॉपर है। गौरव भास्कर पहले नंबर पे, स्तुति सिंह सेकंड नंबर पे, अंजू देवी तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे संदीप वर्मा, सॉरी देख लेते हैं एक बार, चौथे नंबर पे हैं
संदीप वर्मा चौथे नंबर पे, संजय कुमार पांचवे नंबर पे, धनंजय वर्मा छठी पोजीशन पे, रुखसाना खान सातवीं पोजीशन पे, संतोष सिंह आठवें नंबर पे, सत्येंद्र नवे नंबर पे और फातिमा दसवें नंबर पे। ठीक है, आप जैसे मेरी पोजीशन दिखा रहा 212 नंबर पे, तो आपकी पोजीशन भी आपके मोबाइल पे शो कर रहा होगा। ठीक है, अब कुछ ओवर हो चुकी तो आपकी पोजीशन और आपके जो पॉइंट हैं वो आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 यूट्यूब पे नहीं शो हुआ, लेकिन ये शो हुआ था मेंटी पे शो हुआ था बेटा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को बेटा, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, है ना। भले ही आपने जो भी किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने सीखा जरूर होगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे आशुतोष ने 100 में से 91 किया है, आयुष ने 94 सही किए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने टोटल में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। टोटल क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं बेटा यहाँ पर 100 क्वेश्चन, तो इन 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। एटी 7 गुंजन के सही हुए हैं, अखिलेश के 85, नाहिद के 93, तलहा के 87, राहुल के 87, नंदन के 87, पीहू के 92, अनामिका के 85, गौरव के 95, आरती के 78, रुचि के 75, अस्मिता के 88, एकता के 86, अखिलेश के 85 हैं, प्रियांशी के 71 हैं, संतोष के 89 हैं, रुचि के 75 हैं, अनुराग के 81 हैं, वैष्णवी के 74 हैं। बेटा अभी पीडीएफ में आपको दे दूंगा और आप ये चेक करिएगा कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, है ना, कहाँ कहाँ पे किन किन जगहों पे आप गलती कर रहे हो, ये चीज आप जरूर चेक करिएगा, है ना। पीडीएफ में तुरंत आपको सेंड कर दे रहा हूँ अभी के अभी, है ना। देखिए आपको पीडीएफ मिल गई होंगी, पीडीएफ आपको मिल गई होंगी, मिल गए हो तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। टेलीग्राम पे भी मैं भेज दे रहा हूँ, है ना, टेलीग्राम पे पहुंच गई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया तो वहां पहुंच गई होंगी। बेटा जो बच्चे नहीं जानते टेलीग्राम चैनल, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी, वहां पर भी मैंने ये पीडीएफ भेज दी है। ठीक है, तो आज रात में 10 बजे बेटा एक एनटीए का मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एनटीए का मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। दूसरी चीज, कल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक होगा, प्लस लिविंग वर्ड के 4 चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग कल करेंगे, कल 10 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे, रात में 10 बजे और कल 12 बजे। ठीक है, और जो भी चीजें और हैं मैं आपको बताता रहूंगा नीट के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन वो भी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, और कोई अगर सवाल हो, सूरज करें एक बार रिपीट कर दीजिए कल का। कल का बेटा लिविंग वर्ड यूनिट के 4 चैप्टर शुरुआत के, एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, पहले बेटा पीडीएफ डेली की डेली मिल जाते हैं, रुचि आप चेक तो करो। पीडीएफ कल की कल मैंने दे दी थी, परसों की परसों मैंने दे दी थी, है ना। तो चलिए आप पढ़ाई करिए, पॉडकास्ट का बेटा मैं देखता हूँ। ठीक है, नीट का फैसला बेटा आज या कल में आ जाना चाहिए। कार्तिकीय मिंटी पे बेटा 255 बच्चे थे आज, 255। ओके बेटा, तो सेशन को लाइक करिए और फिर हम लोग मिलते हैं रात में 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर एंड